हे गाइस, दिस इज मनीष एंड आज के वीडियो में हम विप्रो कंपनी में ऑफ कैंपस इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम विप्रो के टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, टेक्निकल राउंड में क्या क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, प्लस एचआर राउंड में कितने क्वेश्चन है एंड क्या क्वेश्चन है, सारी बातें करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या ऑफ कैंपस इंटरव्यू एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड की जाए आपको जल्द से जल्द उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम टेक्निकल राउंड की बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन थे। तो देखिए, मेरे से ओवरऑल टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे टेक्निकल राउंड में। अब नाउ बिफोर टेक्निकल राउंड पे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे जो विप्रो का ऑनलाइन टेस्ट होता है उसकी। तो दोस्तों, विप्रो का ऑनलाइन टेस्ट होता है वो एमकैट प्लेटफॉर्म पे होता है, जिसके लिए कि 5 सेक्शंस एलोकेटेड होते हैं एंड 1 आवर एंड 50 मिनट्स टाइम एलोकेटेड होता है, जिसके अंदर की 2 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं। 5 सेक्शन में एक सेक्शन कोडिंग सेक्शन होता है, जिसके अंदर की 2 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, जिनके लिए टाइम एलोकेटेड होता है वो 45 मिनट्स होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे टेक्निकल राउंड में इंटरव्यू क्वेश्चंस की। तो देखिए, मेरे से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनके अंदर की जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो शुरू होता है इंट्रोडक्शन से। जो इंटरव्यूअर थे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे 2 इंटरव्यूअर बैठे हुए थे एंड दोनों आई थिंक बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे। तो नंबर 1 क्वेश्चन शुरू होता था वो था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैंने अपना एक इंट्रोडक्शन दे दिया था जो कि 1.5 से 2 मिनट चला था, देन उनके बाद वो टेक्निकल राउंड पे आते। तो मैं आपके साथ सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों, नंबर 1 क्वेश्चन था वो था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। तो आपको जो बेसिक डिफरेंसेज होते हैं वो 4 से 5 गिना देने थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बेसिक डिफरेंसेज सबको ऑलमोस्ट पता होता है। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन था वो था कि राइट द कोड फॉर रिवर्स अनलिंक्ड लिस्ट। तो आपको ओनली फंक्शन कोड लिखना था जिसके अंदर की जो मेन लॉजिक होता है लिंक्ड लिस्ट को रिवर्स करने का, ओनली वो लिखना था, तो वो मैंने लिख दिया था। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था वो था कि राइट अ प्रोग्राम फॉर अ फिबोनाची सीरीज। तो आपको मैंने सीधा पूछा कि सर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है, तो उन्होंने बोल दिया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें आपका मन करे उसमें लिख सकते हैं। तो जो प्रोग्राम था उसमें हमें एक नंबर इनपुट लेनी थी यूजर से एंड देन उसके करस्पॉन्डिंग फिबोनाची सीरीज प्रिंट करानी थी। तो ये था क्वेश्चन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि What is garbage collection in Java? तो देखिए, 2 इंटरव्यूअर बैठे थे जिनमें से एक सर तो कोडिंग से रिलेटेड पूछ रहे थे और दूसरे सर थ्योरी के क्वेश्चन पूछ रहे थे। जो तो अब जो थ्योरी का क्वेश्चन था कि What is garbage collection in Java? तो ये भी आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन मेलोक एंड कैलोक मेमोरी एलोकेशन। तो आपको मेलोक एंड कैलोक जो मेमोरी एलोकेशन की टेक्निक है उनके बीच डिफरेंस बताना था। सेम आप बेसिक डिफरेंस होते हैं जो 3 से 4 बता सकते थे, वो बस एक आपको चेक करना चाह रहे थे कि भाई कितना आता है इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन डेटा वेयर हाउसिंग, जो कि अगेन जो सर थ्योरी क्वेश्चन पूछ रहे थे उन्होंने पूछा था। कोडिंग के ओनली 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको डेटा वेयर हाउस का जो बेसिक होता है वो आपको ओनली बताना था। उसके बाद क्या था कि ये मेरे टेक्निकल क्वेश्चन थे टोटल जो कि पूछे गए थे। उसके बाद जो एचआर राउंड होता है वो टेलीफोनिक होता है विप्रो के केस में, तो उनकी कॉल आई थी एंड अगेन उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे थे टेक्निकल टेलीफोनिक राउंड जो कि एचआर राउंड था। नंबर 1 क्वेश्चन था कि अगेन वो जो टेक्निकल राउंड का पहला क्वेश्चन था सेम उसी से शुरू होता है, यानी कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको सेम इंट्रोडक्शन देना था अपना और 1.5 से 2 मिनट, ज्यादा लंबा ना रखे तो बिकॉज बोर सा लगता है, तो लिमिटेड रखे 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट 2.5 मिनट बहुत होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वही वांट टू ज्वाइन विप्रो, तो भाई आप विप्रो को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बताना था। और सिंपली फोन पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए इन चीजों की, अगर आपका भी ऐसे पेंडिंग है विप्रो का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन विप्रो। एंड जो अगेन थर्ड क्वेश्चन था एचआर राउंड का वो था आर यू कंफर्टेबल इन रीलोकेटिंग, यानी कि अगर आपकी लोकेशन वो कहीं बाहर देते हैं तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो क्वेश्चन था। एंड जो लास्ट वन क्वेश्चन था डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। तो मोस्टली हर एचआर इंटरव्यू में हर एचआर सर पूछते ही है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, लास्ट क्वेश्चन से होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आप ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों, ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस विप्रो का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनकी जॉब नहीं लगी है उनके लिए हेल्पफुल हो सके। एंड अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई क्यूरी है तो आप कमेंट के जरिए मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।